अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, और इस गाइडलाइन के जो जर्नी में हम पास्ट पेपर शेयर करने की स्टेज तक पहुँचे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो है 2021 का मटेरियल्स और मेटलर्जी का जो पेपर था प्यास का, वो शेयर किया था। इससे पहले मैं आपके साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स 2021 के जो पेपर हैं प्यास के, जो कि रिसेंट पेपर्स हैं, वो भी शेयर कर चुका हूँ। और आज जो है मैं आपके साथ फिजिक्स 2019 का जो पेपर है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये पेपर जो है बेसिकली कोरोना सेशन से पहले का है। तो जैसे आप सबको पता है कि अब जो प्यास का लास्ट 2 ईयर से पेपर आ रहा है उसमें कोई जनरल पोर्शन नहीं है, सिर्फ टेक्निकल पार्ट या जिसे सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं आप लोग, वो आ रहा है। लेकिन इससे पहले इन टू लास्ट ईयर से पहले पहले जो जितने भी प्यास के टेस्ट होते थे उसके दो पार्ट्स हुआ करते थे। एक जनरल पार्ट वो करता था, 50 क्वेश्चंस उसमें वो करते थे, फिर एक आपका सब्जेक्ट पार्ट वो करता था। और जनरल पार्ट में 10 आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होते थे, 20 आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होते थे और 20 आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते थे। और ये जनरल पार्ट जो है हर फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉमन हुआ करता था, चाहे वो फिजिक्स का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का है, चाहे वो इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन का है, इवन बायोलॉजिकल साइंसेस का भी अगर है। और जो बाकी 50 क्वेश्चन वो करते थे वो आपके प्योर सब्जेक्ट बेस्ड वो करते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बंदा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है तो उसके होंगे, फिजिक्स का है तो उसके होंगे। तो इस तरह प्यास का पहले टेस्ट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि कोरोना सेशन अब जो स्टार्ट हुआ लास्ट 2 ईयर से, तो फिर इन्होंने जो है ये जनरल पार्ट जो है ये उससे कट कर दिया और 100 क्वेश्चन की जगह 60 क्वेश्चन कर दिए, जो कि प्योर आपके सब्जेक्ट बेस थे। और टाइम लिमिट भी आपकी टेस्ट की 3 घंटे से जो है 1.5 घंटा कर दी। बहरहाल बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस दफा जो टेस्ट होगा उसकी नोयत क्या होगी, क्या वो उसमें जो है वो सब्जेक्ट पार्ट होगा इंक्लूड, सब्जेक्ट पार्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा, जनरल पार्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो देखें असूलन देखा जाए तो जनरल पार्ट इंक्लूड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब हालात ठीक हो चुके हैं, कोरोना का उस तरह वो नहीं रहा जिस तरह पहले कोरोना फैल रहा था। लेकिन स्टिल क्योंकि एक नई लहर कोरोना की आ रही है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले 5-6 महीनों में हालात कैसे हों। तो बहरहाल आपने अपनी तैयारी इसी तरह करनी है कि आप फिलहाल अपने सब्जेक्ट बेस की तैयारी करें, और जैसे ही एडमिशन एडवर्टाइज होंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा कि आया कि उसमें जनरल पार्ट भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलवक्त यही है कि आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं फील्ड के, उनके ऊपर जो है वो जोर दें। बात की जाए फिजिक्स की, फिजिक्स के कोर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आपकी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स जिसे MMP कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और वेव्स एंड ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इनके ऊपर फोकस करें। बहरहाल ये जो पेपर है मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, ये प्यास का फेलोशिप का टेस्ट है 2019 का, और ये जनरल पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो इसमें ये 10 इंग्लिश के क्वेश्चन है, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये सबके लिए कॉमन ही थे, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ शॉर्ट पैराग्राफ, ये ऊपर पैराग्राफ गिवन था, और यहाँ आपसे जो है इससे रिलेटेड जो है वो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो नॉर्मली यही होता था कि जो भी इंग्लिश का पोर्शन होता था ना उसमें 2-3 क्वेश्चन एक इस तरह पैराग्राफ दे देते थे, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा देखें ये आगे भी क्वेश्चन है, इट डैश एवरी टाइम वाली, माई अम्ब्रेला एट होम, इज रेनिंग, रेन्स, रेन्ड, हैव बीन रेन्ड, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये मतलब एक सुटेबल प्रपोजिशन का आपने यूज करना है और कुछ भी नहीं है। और ये देखें आप थोड़ा सा आगे चलें तो आई अराइव्ड एट द बस स्टेशन एट 10 o'clock लास्ट नाइट, माई बस डैश एट 10:15, हैड लेफ्ट, लेफ्ट वाज लीविंग, हैड बीन लेफ्ट, तो एक सुटेबल जो है टेंस का जो है वो यूज करना है। और यहाँ पे देखें किसी वर्ड का मीनिंग पूछा हुआ है, और ये इस तरह डिफरेंट जो है देखें आप ये देख सकते हैं।
ठीक है, तो इंग्लिश में यही होता है, इन 10 क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया भी हो गया होगा कि आपको सिनोनिम्स आने चाहिए और जो सेम मीनिंग होते हैं किसी भी वर्ड के जो आपको गिवन हो, इसके अलावा उसके ऑपोजिट मीनिंग पूछे जा सकता है, इसके अलावा टेंसेस से रिलेटेड पूछे जा सकता है, सुइटेबल प्रपोजिशन को पूछे जा सकता है, कोई पैराग्राफ होगा उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको रेफरेंस दूं कि आप इसके लिए कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो ये जो गैट के पेपर्स होते हैं ना, तो उसके जो इंग्लिश पोर्शन होता है वहां से आप उनको देख लिया करें। समटाइम ये होता है कि प्यास अपना पूरा पूरा जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट होते हैं, वो वहां से जो है काफी बेस्ट कर लेती है। तो कुछ लोगों का फिर वहां पे वो चौका भी लग जाता है, 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, ये आपके ग्रेड्स को बहुत चेंज करने में अहम किरदार अदा कर होते हैं। तो आपने इस हिसाब से अपनी गैट के जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश पोर्शन में, उनको आपने लाजमी देखना है। बारह, अब आगे चलते हैं। देखें जो 11 से 30 तक फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, और ये जो फिजिक्स होती है ना जनरल पार्ट में, ये आपकी FSC बेस तक ही होती है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कोई बंदा केमिस्ट्री का कहे कि नहीं नहीं ये तो मुझे आती नहीं है, मेरा तो फील्ड नहीं है, तो ऐसी बात नहीं होती। FSC तक होती है, और FSC तक तो हर बंदे ने फिजिक्स पढ़ी होती है। तो देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस क्वांटाइज, चार्जेस कंजर्व, लाइक चार्जेस पता नहीं ये कटा हुआ है। तो बहुत आसान सी बात है, तो देखिए मोमेंटम क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये और भी इस तरह जो है वो ये क्वेश्चन आपके सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हाफ लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, थर्ड हाफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये देखें एक्सेलरेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेटिविटी का सिंपल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, वेवलेंथ जब गिवन हो, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा, वी कोई आप यूज कर लें जो जो होती है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है लैम्डा की वैल्यू गिवन है 10^-9। तो देखें ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरह ये आगे ले जाते हैं। अब देख सकते हैं कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो FSC लेवल से ऊपर को, नो डाउट थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई एमए ही उठा के प्यास दे देती है, ऐसा नहीं होता। तो हल्का फुल्का कंसेप्ट जरूर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट की कन्वर्जन भी आपको इस क्वेश्चन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखें ये क्वेश्चन इमोशन लगा के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी मौजूद हैं आपके पास, और ये इस तरह। तो 11 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन वो करते थे जनरल पार्ट में, वो आपके फिजिक्स के वो करते थे, और फिजिक्स भी वो जो आपकी बेसिक जो है FSC लेवल की है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का होता है, सेकेंड ईयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से वो हाफ लाइफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे ये पूछ लेते हैं किसी एलिमेंट का बता देते हैं, कहते हैं इसमें बताएं इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वो आपको दे देते हैं। फिर इसके अलावा आपसे जो है ये सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड पूछते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में पूछ लेते हैं, फिर आपसे वो जो है क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इंसुलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकता है, न्यूमेरिकल्स जो है बहुत सिंपल होते हैं जिसमें रिलेटिविटी का कोई न्यूमेरिकल पूछे जा सकता है, लेंथ कंट्रैक्शन या टाइम डिलेशन किससे रिलेटेड, या ये जो स्टेशनरी वेव्स और जो डोपलर इफेक्ट का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, या जो लेंजेज और मिरर्स का जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिट्स की कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिंपल 3 इक्वेशन जो है मोशन की यूज करनी होती है, लेकिन थोड़ा सा यूनिट की कन्वर्जन करनी होती है। तो ये बड़े 20 क्वेश्चन जो है बहुत आसान से होते हैं, और आपको ये नजर भी आ रहे हैं, तो ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह फिर 31 से 50 तक जो है ये 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स होते हैं। जहां तक मैथ की बात है, मैथ के ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें FSC+BSC दोनों जो है क्वेश्चन जो है इंक्लूड होते हैं। अब देखें ये डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स है सिंपल, तो
तो इसमें यह कि डिटरमिनेंट्स भी आपसे निकालने को पूछे जा सकते हैं, एगन वैल्यूज निकालने को कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्यास की, जो अगर हम जनरल पार्ट की बात करें उसमें। फिर देखें यहाँ पे आपको कुछ और भी ये सीरीज से रिलेटेड, टेलर सीरीज, मैकलेरियन सीरीज, ये आपको पता होनी चाहिए। ये देखें ये फंक्शंस दो गिवन है और लिमिट पूछी हुई है। देखें जब ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब ऊपर नीचे 0/0 बनती है तो लोपिटल रूल आप ले सकते हैं। वो सिंपल यही होता है कि ऊपर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लें, नीचे भी डेरिवेटिव लें। जब 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ना बन रही हो तो फिर वैल्यूज पुट कर दे तो जो जवाब आते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। तो देखें लिमिट्स का भी क्वेश्चन आता है। फिर ये आपका जो एक फर्स्ट ईयर की जो बुक हुआ करती थी उसके अंदर एक थ्योरम है, ठीक है। एक थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है ये वो पूछा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है कि एक मैट्रिक्स जो बेसिकली 3x2 की है उसे किस में एल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स आए। तो ये देखें बहुत आसान से क्वेश्चन है और ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नीचे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो बहरहाल इसमें यही होता है कि आपसे जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट ईयर का जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका जो है सेकेंड ईयर की बुक में कॉनिक सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर प्यास जो है वहां से क्वेश्चन पूछती है। फिर वेक्टर्स का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये आपके मैक्सिमा मिनिमा जो है वो फाइंड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लिमिट्स का कंसेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे सीरीज, मैकलेरियन सीरीज, टेलर सीरीज और ये ट्रिग्नोमेट्री के देखें सिंपल सी रिलेशन पूछी हुई है, कुछ भी नहीं पूछी हुई। और यहाँ पे ये आप देखें एक और लिमिट का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये मैक्सिमम मिनिमम जो मैं आपको कह रहा था वो भी पूछा हुआ है। तो बहरहाल ये 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के, इनकी तैयारी के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आप जो है FSC की मैथमेटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से करें। और FSC की मैथमेटिक्स आप कर लेंगे तो 20 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाते हैं, और बाकी जो 5-7 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको BSc की मैथमेटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो बहरहाल ये इस तरह 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से आगे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्योर सब्जेक्ट फील्ड होते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का पेपर है। तो यहाँ आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और अगर आप किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आप फिर आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो बहरहाल इसमें भी कुछ FSC लेवल के भी क्वेश्चन आपको जो है वो नजर आते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वो जो मैं अभी आपको बात कह रहा था कि डोबर फैट का जो सेकंड ईयर, आई थिंक फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन ये उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें ये बड़ा आसान सा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिर्फ एक यूनिट्स का थोड़ा बहुत हेर फेर किया हुआ, कुछ भी नहीं। ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में प्यास के रिपीट हो चुका है, ये जो रिलेटिविटी का क्वेश्चन है इसे आप देख लीजिएगा। और ये देखें ये उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये कर्ल पूछी हुई है। देखें प्यास के टेस्ट में एक चीज याद रखिएगा, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, चाहे आप पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं। एक फंक्शन आपको गिवन होगा, या आपको उसकी ग्रेडियंट निकालने के लिए कहेंगे, या कर्ल कहेंगे, या डाइवर्जेंस कहेंगे। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए। फिर आपको ये 3 रूल भी आने चाहिए कि कर्ल ऑफ कर्ल क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। फिजिक्स टेस्ट में अक्सर ये चीजें पूछी जाती है, सोलेनाइडल फील्ड क्या होता है। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को जो है वो आनी चाहिए। फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक के ऊपर भी जो है आप स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन अक्सर डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो है प्यास के टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह देखें ये एक पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको रूल्स पता होने चाहिए। आप सर्वे एंड जीओटी की बुक से तैयारी करें तो आपको एक पूरा चैप्टर मिल जाएगा, वहां पे रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन सी चीजें जो हो तब कोई रिएक्शन जो है वो अलाउड होता है, और अगर ना हो तो फॉरबिडन होता है। तो ये चीजें जो है वहां से जो है बड़ी अच्छे तरीके से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ से देखें कुछ जनरल चीजें जो है फिजिक्स रिलेटेड भी पूछी जा सकती हैं कि
इन चारों में से बताएं सबसे मुश्किल किस पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, वो न्यूट्रिनो है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे देखें और कुछ, ये देखें यहाँ पे लिग्रांजियन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपको एक लास्ट भी वीडियो में कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स से जो फिजिक्स में क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वो लिग्रांजियन लिखने के लिए, हैमिल्टोनियन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ये जो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो ये वो लाजमी पूछते हैं। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। देखें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की, वो तो ऑब्वियस है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिजिक्स वालों के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीआरई की बुक से उठाया हुआ है, जीआरई के पास पेपर से उठाया है। एक्सेप्ट फॉर द मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ म्यूऑन मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल टू प्रॉपर्टीज ऑफ। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए, तो आप सर्वे एंड जीओ की बुक पढ़ें, फिर आप जो है जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस तरह लिग्रांजियन हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स में, हैमिल्टोनियन हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इनके लिए आप जो गोल्डस्टीन की बुक हो गई, टेलर की बुक हो गई या मेरियन की, उसकी जस्ट क्या की एग्जांपल्स आप सोल्व कर लें। और इस तरह ईएमटी के लिए जो है आप ग्रिफिथ की जाके एग्जाम्पल सोल्व कर लें, और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो है आप ग्रिफिथ, जेटली या लिबोव किसी को भी एक को फॉलो कर लें, तो उनको जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लें। आप बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद जो है आप जीआरई के पेपर जो है सॉल्व करें, क्योंकि क्योंकि प्यास के पेपर में भी जो अक्सर 5 से 6 क्वेश्चन जीआरई से उठाए हुए होते हैं। और अगर ये कैरियर जॉब टेस्ट की बात करें तो वहां तो वो तो बाज अवकात पूरा पूरा पेपर जो है वो जीआरई के पेपर से उठा लेते हैं। तो ये चीजें हैं, इस तरह आपने तैयारी करनी है, या आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये कैपेसिटर से रिलेटेड, हाफ सी स्क्वायर लगा के और सी को क्यू वी की फॉर्म में लिख लें या जिसकी फॉर्म में भी लिख लें, ये कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल पूछे हुए हैं, ठीक है। ये और भी एक इस तरह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लिग्रांजियन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये रिएक्शन का फिर पूछा हुआ है। ये देखें ये प्लांक कांस्टेंट वाला, ये भी जीआरई के पेपर से क्वेश्चन जो है वो उठाया गया है, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको नजर आ रहे हैं, ये फिर एक लिग्रांजियन को पूछा हुआ है, ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन, ये मैस अटैक टू, ये देखें ये इसमें बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की निकालने के लिए कहा गया। तो समराइज कर लेते हैं चीजें, देखें 2019 तक मैंने आपको ये बात की कि पेपर जो प्यास का आया करता था किसी भी फील्ड के लिए, चाहे बात करें तो उसके दो पोर्शन हुआ करते थे, जनरल पोर्शन 50 क्वेश्चन, 10 इंग्लिश, 20 मैथमेटिक्स, 20 फिजिक्स। और इंग्लिश के लिए आपने क्या फॉलो करना है, आपने गैट सेट के जो पेपर्स हैं पास्ट उनको उठा के प्रैक्टिस कर लें, जस्ट वहां से उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स को, आपकी तैयारी इंग्लिश की हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर 20 फिजिक्स की बात करें, जस्ट एफएससी लेवल की फिजिक्स, कुछ भी नहीं। और मैथमेटिक्स के लिए एफएससी ही कर लें आप, काफी है, बीएससी के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि जनरल पार्ट होगा इस साल 2022 में या नहीं होगा, लिहाजा आप फिलहाल जनरल पार्ट की टेंशन न लें, आप अपने सब्जेक्ट पार्ट के ऊपर फोकस करें। आने वाले 4-5 महीनों में ये चीज कंफर्म हो जाएगी, तो फिर अगर आपकी सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी होगी तो आप जनरल पार्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए 15 से 20 दिन भी बहुत होते हैं तैयारी के लिए, कोई इतना इशू नहीं होता, कोई रट्टे वाली चीजें नहीं होती, प्यास जनरल चीजें पूछती है, छोटे से कंसेप्ट होते हैं हर क्वेश्चन में। फिर आगे बात कीजिए 50 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के हैं, तो उसमें जो मैंने आपको बताया भी है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो अच्छी बुक है जो रिकमेंड की जाती है वो फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय सर्वे एंड जीओ की है, वो आप कर लें। वो अगर आप बुक अच्छे से कर लें, फिर ये जो कुछ पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्यास के 2021 का भी शेयर किया है, ये 19 का भी है, 3-4 और भी शेयर करूंगा, ये आप कर लें, फिर आप जीआरई के पेपर्स कर लें, तो फिर मोटे मोटे जो आपकी कोर बुक्स हैं कोर सब्जेक्ट्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की, कोई एग्जैक्टली ग्रिफिथ कोई भी उठा लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ग्रिफिथ भी उठाएं, फिर आप और पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए आप वही बुक करें फॉलो, इवन थर्मल फिजिक्स के लिए भी सर्वे एंड जीओ ठीक, उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो है आप गोल्डस्टीन या मेरियन वगैरह देख लें, उनके जस्ट एग्जांपल्स आप कर लें, तो आपकी तैयारी जो है बड़ी अच्छी हो सकती है। रिलेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा कॉन्टिनजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन जनरल सब्जेक्ट पार्ट में भी जो है कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मतलब आपकी एफएससी बीएससी लेवल के होते हैं, लिंग्रानियन पूछते हैं, आपसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछते हैं, तो ये इस तरह पेपर कुछ होता है। अब ये चीज़ें आपके साथ डाटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तैयारी करने के लिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है, और बजाय आप लोगों से ये पूछें कि तैयारी कैसे करें हम, ये इन चीज़ों से सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। आप बस जो थोड़ा बहुत आपको आइडियाज हिंट्स मिल रही हैं आप उन्हीं की बेस पे अपनी तैयारी कंप्लीट करें, टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।